2 मिनट रुक यहाँ पे 2 मिनट रुक। यार कपू यार उधर मेरे थिएटर में बंदे आ गए हैं। शुक्र कर तेरे घर में पानी नहीं आता, कोई आया तो सही। तो अबे बंदे का मतलब है अफसर आए हैं, कहते तुम्हारा थिएटर बंद कर देंगे। व्हाट? हाँ तुम मेरी बात करा, मैं बोलता हूँ उनको थैंक यू। जो काम मैं नहीं कर सका वो कर रहे हैं। अच्छा हुआ तेरा थिएटर टूट रहा है तो। वाह आज दोस्त पे मुसीबत आई है तो ऐसी बात कर रहा है। ओए वो दिन याद कर जब मैं तेरी हेल्प किया करता था। बता कौन सी हेल्प? क्यों उस दिन तुम्हारे जो 4 लाख रुपए बचाए थे उसका क्या? कौन से 4 लाख रुपए बचाए थे बे? अर्चना जी मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत थी। हाँ। मैंने 1 लाख रुपए उधार लेके अपना काम चलाया। 4 लाख बचाए ना इसके। ये पता नहीं इसने बेशर्मी का कोर्स किया है या बचपन से बेशर्म है। मैं आपको बता नहीं चाहता कितनी लीचड़ हरकतें करता है। हाँ? भिखारी बेचारा खड़ा अपनी जॉब पे कटोरा लेके। हाँ? ये उसके पास आधा घंटा खड़ा रहा। हाँ? आधे घंटे में उसको 15 रुपए मिले, कहता मेरे 750 दो मैं तो निकलू, आई एम गेटिंग लेट। ये आदमी तुम अर्चना जी मेहनत नहीं की साथ मैंने ऐसे ऐसे भी किया था उसका क्या ऐसे ही बातें करता रहता है। ओ तेरे शो में आके जो मैं 4 चांद लगाता हूँ उसका क्या? चांद लगाएगा तू अपने घर में जाके बल्ब लगवा। मैं कहता हूँ उस दिन चोर आया ना और टॉर्च मारी, इनको देखते ही बंद कर ली उसने। कहता यार देखो अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, सोया तो कपड़े पहन के करो। इतने कहता कपड़े महंगे आते हैं अखबार तो सस्ती आती है। इतने पे शर्म लोग टू डटी। ठीक है जिस दिन मैं चला गया ना फिर जो तेरे गेस्ट आएंगे ना यहाँ पर आके पूछेंगे कि राजू हैंडसम कहाँ है, फिर देना जवाब। देना जवाब राजू हैंडसम। कोई नहीं पूछता, दुनिया आगे बढ़ रही है भाई साहब। इसके तो घर वाले नहीं पूछते। उस दिन बाइक से गिर गया, उन्होंने एम्बुलेंस मंगवाई। हाँ? बाइक उठा के एम्बुलेंस में रखवा दी, कहते इसको ठीक कराओ। इसके जैसे तो 5-7 और घूम रहे हैं। तो मतलब तू मेरी हेल्प नहीं करेगा? नहीं करूंगा, तेरी हेल्प करके मेरा क्या फायदा? ओ इतना बड़ा शो चला रहा है, गरीबों से हेल्प मांग रहा है, और कौन है जो दोस्ती में फायदा ढूंढता है? तू। अच्छा जी मुझे पता है। हाँ। कि मेरे दोस्त से हेल्प कैसे ली जाती है। जा अपना काम कर जाके। ये हाथ पैर ना जोड़ मेरे आगे। कौन है? कौन है? बाहर निकल, बाहर निकल। कौन मेरे भाई का थैला तोड़ रहा है? ये तो ये जल्दी से डॉक्यूमेंट रेडी करो, आज पूरे बंद करके जाएंगे। आइए मैम आइए। ये तोड़ रही है। हेलो भाई साहब, एक्सक्यूज मी, बंद कीजिए इसको। चलिए जो वो मैडम बोल रही थी बंद करो बंद करो, तुम्हें बकवास करने की क्या जरूरत है? उनके मुंह से बंद भी कितना खुला खुला लग रहा था। तू आया शट अप। ये कौन है? ये इसके मालिक। एक्सक्यूज मी अभी अंदर आप बता रहे थे कि आप मालिक हैं यहाँ पर। ये अंदर वो आप बाथरूम के पास मिल लोगे ना, बाथरूम का एरिया इसका है, बाकी वाला मेरा है। आपने अपने बारे में नहीं बताया। माय सेल्फ विशाल और ये मेरी सीनियर है। मैं तेरे थप्पड़ मारना तेरे बदतमीज गई का। मैडम का नाम बाद में लेता, बदतमीज गई का। So sweet of you. Thank you. पर आपके थिएटर में ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या मेरी जिंदगी में ये? मैं तो आप बोलो चोरी के केस में फांसी दिलवा दे इसको। हेलो वो मेरा थिएटर बंद कर रहे हैं, तू अपना अकाउंट खोलने पे लगा हुआ। तो मैं उसी बैंक में अकाउंट खोलूंगा ना जिस बैंक से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। इधर क्या है? जीरो बैलेंस। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। तेरे को पता है ये वाले मुंह 30 सितंबर से पहले जमा कराने हैं। चलो इतना महंगा मुंह है। एक्सक्यूज मी भाई साहब क्या कह रहे हैं आप मेरी मैडम के बारे में? मैं जब दो हॉट बंदे फ्लर्ट कर रहे हो ना बात कर रहे हो, बीच में ये अपना मिक्सी जैसा मुंह ना डाल दिया कर। हाँ आप हमारे यहाँ पहली बार आई हैं, आइए अंदर चल के बात करते हैं। ओए चल भाग के दो चाय लेके आ। मैं चाय क्यों लाऊंगा? तो फिर एक काम कर भाग के जा ओलंपिक से मेडल लेके आ। लाएगा कहाँ जा, जो चीज ला सकता है वही बोल रहा हूँ। मेरे काम करा देना। हाँ काम हो जाएगा, फिक्र ना कर तू। अरे आपने उनको क्यों भेज दिया? और वैसे भी मैं चाय नहीं पीती हूँ। उसको भी कौन सा कुछ चाय देता है वैसे। तो काम कर उसके पीछे भाग के जा कि मैडम चाय नहीं पीती, और उधर ही रुकना ठीक है, तब तक मैं मैडम से बात करता हूँ। तो जी मैडम साहब आप ज्यादा फ्रैंक मत होइए मेरी मैडम के साथ। अगर तूने स्कर्ट पहनी होती ना मैं तेरी जांघ पे काट लेता। बकवास कर मैडम। देखो मैडम है सरकार की और सरकार हमारी है, सरकार बहुत ज्यादा प्यारी है, और मेरे को तो लग रहा है मैडम कुंवारी भी है। आप ये तो क्यों रखा इसको आपने? आपको कैसे पता कि मैं कुंवारी हूँ? मैं मैडम देखो इतनी खूबसूरत बीवी हो ना तो उसका पति 5 मिनट में 10 फोन कर देता, आपको एक भी नहीं आया है। गुड ऑब्जर्वेशन। और क्या क्या आपने मेरे बारे में ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन में एक्सक्यूज मी मैडम, आप यहाँ पर अपनी तारीफ कराने नहीं आई हैं, ये आपको बातों में घुमा रहे हैं। क्या बातों में घुमा रहा है? मैं तो कार में भी घुमा लूं, ये हाँ करे सही। अब चलेंगे। देखा
अरे देखा उनके औ को देखा तूने ए के साथ 6 W निकले मैडम अरे आप हंस रही है ये आपको बहला फुसला रहा है मैं आपको बहला रहा हूँ किस दिन आप टाइम निकाल के इसको नहला दीजिए कितना स्मेली पड़ता है यार आप इतना परफ्यूम लगा रही है ये परफ्यूम को डोमिनेट कर रहा है बंदा मैडम आप बात करने दीजिए मुझे देखिए आपके पॉपकॉर्न में से छिपकली मिली है आपका ये थिएटर जो है सील करना पड़ेगा अच्छा पॉपकॉर्न में से छिपकली निकली तो थिएटर सील कर दोगे हाँ? उस दिन मैं मॉल में गया मुझे मेरी एक्स मिली मैं मॉल सील करा दूं ठीक है बाकी आपके थिएटर में ना पौधे उगे हो गए ऐसा कहीं पे होता है नहीं ना होता मैडम तभी तो हम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है मैं तो कहता हूँ इसके कानों में मिट्टी डलवा के ना मनी प्लांट लगाओ इसके भी ये क्या गमले जैसा आदमी है अरे मैडम आप हंस रही हैं अरे इनके थिएटर की छत भी टपकती है छत नहीं टपकेगी तो पौधों को पानी कैसे मिलेगा बे मुझे पता था तू घूम के इधर आएगा छत टपक नहीं रही हमने टपकवाई है 12 लाख रुपए लगा टपकवाने में इसको ग्लोबल वार्मिंग मैडम ग्लोबल वार्मिंग अच्छा अगर आपको इतनी चिंता है तो आप अपने थिएटर में साफ सफाई क्यों नहीं करते अभी मैंने चूहा घूमते हुए देखा वहाँ पे जी देखा तो उसको रोकना चाहिए था बेचारा घूम घूम के चक्कर आ जाए तो चूहा बेचारा वो ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा था वो ऐसे ऐसे घूम रहा था ऐसे ऐसे जा रहा था वो फिर सांप होगा क्या अरे मैडम उस चूहे के पीछे एक बिल्ली भी थी तो बिल्ली भी थी बिल्ली भी अगर तेरे जैसा लोमड़ आ सकता है इधर तो चूहे के साथ बिल्ली नहीं आ सकती कितने सालों से हम जानवरों की फिल्म देख रहे हैं अगर आज जानवर ने आके हमारी थोड़ी सी फिल्म देख ली क्या मैंने गलत बोला है स्वीटहार्ट कंगना नाम है मेरा कंगना वही जैसे अर्चना खर्चना सेम सेम वैसे कंगना स्वीटहार्ट सेम ही हो जाता है ना मेरी बात सुनिए आप इतनी खूबसूरत है आप कहाँ सरकारी नौकरी में घूम रही है आपको तो मॉडल होना चाहिए था एक्चुअली मैं मॉडल ही बनना चाहती थी पर मुझे मेरे घर वालों ने सपोर्ट ही नहीं किया ये घर वाले होते ही ऐसे इनको इनके घर में पैदा नहीं होना चाहिए है ना मैं खुद अपने घर में पैदा नहीं हुआ मैं ऑफिस में हुआ था वर्किंग आवर्स में आई एम आल्सो मॉडल मैम भाई साहब आपको देख के कहीं से भी नहीं लगता कि आप कहीं से मॉडल हैं मुझे भी तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है तुम अगले एपिसोड से नहीं आने वाले पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को आपका कोई डाउट है नहीं नहीं मेरा मुझे क्यों डाउट होगा आपके शार्प फीचर देख के तो मुझे लगता है कि आप शो स्टॉपर ही होंगे वेरी नाइस तुम यूएसए चलोगे हमारे साथ लेकिन जो भी है आपको थिएटर तो बंद करना पड़ेगा देखिए मैडम आप ना थिएटर बंद करा के ना ये जो प्रेमी जुड़े ना उनकी बद्दुआएं लेंगी आप हाँ। वो बेचारों को यही तो जगह मिलती है मिलने की कल को हो सकता है हमें और आपको जाके इधर फिल्म देखनी पड़ जाए लेकिन मैं आपके साथ फिल्म देखने क्यों जाऊंगी हाँ? तो इसके साथ जाओगी देखने इसके साथ भी नहीं जाऊंगी देखिए आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए हमें ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं मैं समझ गया आपको ऊपर से ऑर्डर है हमने आपको ऊपर से ऑर्डर है हमने नीचे से थिएटर बंद कर दिया है आप परवाह ना करें बस थैंक यू मैंने कहा कोई बात बन गई मेरी तो बन गई तेरा मुझे पता नहीं हेलो बात नहीं बन गई आपकी बात बंद हो गई ऐसे कैसे बात बंद हो सकती है अरे जब मालिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत है मालिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ? हेलो मैंने सोचा इंडिया में अपनी सारी थिएटर चेन्स में बंद कर सकता हूँ हेलो हाँ? उनको समझाओ थिएटर बंद कर रहे हैं हाँ? उनको बोलो बोलो क्यों नहीं बंद किया अभी तक तू बंद नहीं कर रहा बंद कर जाके इसको ओए हेलो मैंने तुम्हें इन्हें भगाने के लिए जो 10,000 रुपए दिया था उसका मैं तेरे चपेट मार क्या आपने हमें भगाने के लिए इनको 10,000 रुपए दिए थे आपको भगाने आपको रोकने के लिए मैं इसको 20,000 दे दूं मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप आपको लगता है इसके पास 10,000 रुपए होगा बिल्कुल नहीं लगता ओए तेरे जैसे मुंह वाले के पास 100 रुपया नहीं हो सकता 10,000 कहां से होगा तेरे पास मैंने पहली बात अच्छी की है और ये देख लो अपना मुंह देख ना तू तू आया अंबानी का पोता हेलो ये गले में लटका के ना ऊपर टांग दूंगा समझ में आया चल बे मुंह देख अपना घुटना कुनी मुंह एक जैसा लेके घूम रहा है मुझे लग रहा है ये दोनों अपनी जगह लिए गए तेरा जैसा भी नहीं है और चल ओ तू तू अरे मैडम ये देखिए ये बदतमीजी कर रहा है मैं बता रहा हूं तुझे एक सेकंड मुझे लग रहा है ये दोनों अपने ईगो पे लेके चले गए हैं ये लोग ईगो पे चले गए कोई बात नहीं मैं आपको कॉफी पे लेके चलता हूँ यहाँ पीछे एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है बड़ी अच्छी कॉफी मिलती है पर मैं कॉफी तो पीती नहीं हूं। तो मैं कॉफी पीऊंगा आप स्विमिंग करना ना ये आदमी को बाहर निकाल दो आप हमारा कौवा तो उड़ गया तुम्हारी चिड़िया लेके ओ मैडम
अरे यार क्या अपनी चिड़िया में रुकिए अरे मैडम जी बच गया अरे क्या बच गया बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी आप तो जानती हैं क्रिकेट जो है हमारे देश में कितना पॉपुलर है और आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं ये पूरी दुनिया में फेमस हैं ये प्लेयर्स तो कमाल के हैं ही एंटरटेनर भी जबरदस्त हैं तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा प्लीज वेलकम वेस्ट इंडीज से धुआंधार बैट्समैन मिस्टर क्रिस गेल और ऑस्ट्रेलिया से तूफानी बॉलर मिस्टर ब्रेटली जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए क्रिस ब्रेट वेलकम टू अवर शो दे आर आस्किंग फॉर सिक्सर नमस्ते सर सो सो हैप्पी टू हैव यू बैक Welcome back. Thank you very much. It's good to be back. Thank you, my bro. What would you like to have? Tea, coffee, or chilled beer? Oh. Chilled beer, man. I love a chilled beer. you know that lady who is sitting? Hi. Ah, namaste. Yeah, yeah. Namaste. She's very expert in handmade liquor. Yeah. Okay. You remember when you came last time in my show, Brett, sir, you also? Yeah. There was Sidhu ji sitting in front of you. Yeah. Now, are you missing him? No, I'm not. Where is he? Much better. It's much better to look at a Sundar Lediki. But sir, after retirement, you started flirting also? Kapil, Sundar bola theek hai, lekin ladki bola. अच्छा क्रिस इतने चिल्ड आउट मैन है इट सीम्स दैट यू कीप डूइंग पार्टी ब्रो Yeah. So last night you were doing party or you were just staying in the hotel? I did a little bit of partying last night. Don't tell anybody, please. No. You know me already. I don't party too much, right? Oh, yeah. You know, last time when Gayle came to my show, he showed some of pictures from his house in West Indies. Mm. And he was showing, see, this is my house. I'm partying. She's my wife. And who is she? She's my ex-girlfriend. And she's also my ex. And three of his exes were present in the party. Wow. You have girlfriend in India also? Not many. Only two. Not many. Oh! In India? Yeah, only two in India. Chris, this man is so jealous. Is he? So no. Jealous. Brett sir, what about you? Do you have any friend in India who is girl also? Oh! Is it your wedding ring? Of course. Yeah. Oh. No, everyone knows. You know, I love coming to India. It's an amazing place. Lots of great people over here. But great to be back on your show. It's been what 7 or 8 years since I've been here. It's been a long time. Hmm. Kya bole? Sorry, my English is when you came last time. You were my in English Hindi? Was very weak. Well, my Hindi now it's almost thora. Dead. Welcome, guys. We are so happy to have you back. Please. Chris has a very beautiful smile. But today, it's showing extra large. Is it because you are my show, bro? Yeah. Bright smile. Ching-ching-ching. Any toothpaste company approach you for ads? You know what? They say they run out of money. They can't afford me these days. मेरे को बताओ क्या बोला? कह रहा है मेरे को afford नहीं कर सकते ये लोग commercial के लिए. Come on, man. Yeah. Chris, so many girls and women wanted to ask you. You have such a long hair. Yeah. How much time do you take to tie and fold? I mean.
My hair stylist in Jamaica, it takes a lot of work because, you know, she's so accustomed doing it now, so it's pretty much, it's normal to her to just finish it quickly. But it's just, you want to feel, come and touch it, yeah? Oh! Guys, Brett Lee is also a multi-talented person. He looks like some model, actually. Yeah. Model. He sings very well. He plays guitar also. Wow. So all these are your hobbies or you have too much EMIs to pay? Probably. I've always played cricket, but music's been my passion. But I was better at cricket, so I stuck to cricket. But I love all things. I love... No, it's a good thing, actually. You know, you have to be busy. Gotta be busy. Mm. So that's what I'm... So, you know, in between, I have to speak in Hindi also. Thoda thoda Hindi. Oh, thanks for telling me. Namaste. Kaise ho? Kaise ho? Kaise ho? Kaise ho? Yeah, good. Up se mil ke khushi hoy. Oh! Wow, man! Hame bhi bahut khushi hui. Thank you. अच्छा क्रिस की जैसी पर्सनालिटी है ना लंबी चौड़ी पर्सनालिटी है हाँ ये मैदान में उतर कर ना बैट से ऐसे पिच चेक करता ना जाके जब क्रिस ऐसे ऐसे करके तो जो अंपायर होता ना वो घबरा जाता है कि ये अगर गलत डिसीजन मैंने दे दिया इसको आउट दे दिया तो ये बॉलर के साथ साथ मुझे भी पीटेगा वो ना थर्ड अंपायर को पास आउट कर देते थे डिसीजन क्रिस डोंट यू हैव ट्रस्ट ऑन द एक्सपर्ट्स और यू जस्ट वॉन्ट टू शो द बॉलर्स दैट इफ यू विल मैस विद मी I will beat you with this bat like this only. I mean, not really. Sometimes the crack pops up a bit. So I'm just tapping it back in place, pretty much. And I'm just saying, hey, stay down. Stay down. Stay down. Stay down. I'm here, you know? And just let the bowler know, say, hey, I'm going to let the bat do the talking as well. Oh. Brett, you're so handsome, man. Backstreet Boys. When you're fielding at the boundary, you know? Yeah. Some girl is chaining your name behind you. So your concentration remains? Of course. I'll just tell her, Aramse, Aramse, you know? Wow. Relax. Chris, you're a very strong player, you know? Very tall, you know? But you're not stronger than this lady. You know, there was a cricketer, Mr. Sidhu. Yeah? He used to sit in front of me. But you know, she ate him. Wow. She swallowed him without any sip of water. Wow. Wow. That's nice. One thing I can tell you, that's a beautiful view right there. That's a beautiful view I'm looking at right there. Beautiful view. देखा आज तू फ्लड नहीं कर रहा मैं फ्लड कर रही हूँ मुझे इंग्लिश बनाने में टाइम लग रहा नहीं तो मेरा बातें बहुत है मेरे दिमाग में यू नो आई एम अनेबल टू मेक ए सेंटेंस अदरवाइज देर आर टू मेनी थिंग्स इन माय ब्रेन विच आर नॉट कमिंग आउट यू नो इन इंग्लिश लेट मी थिंक अच्छा हमारे इंडिया में ऐसा होता है ना कोई फिल्म स्टार जब बड़े पॉपुलर हो जाते हैं उनके नाम पे मेन्यू बना देते रेस्टोरेंट वाले चिकन संजू बाबा दीपिका पादुकोण डोसा Have you heard any dish on your name? I've seen a few restaurants that people have sent me photos on Instagram or Twitter and they've seen something on the menu, which no one's even asked for the approval, but hey, it works over here in India. But I would probably say something to do with a spicy dish, you know, because it's got some dish. Fire. Ah. So you don't eat spicy dishes, right? Yeah, tota tota spice. Tota it's hard, you know. Gora farangi, tota tota spice. Wow. You know, Indian people, they are spice lover actually. Mm. So there's so much spices in our food. No, no, that's why we don't use tissue paper because it catches fire. Sorry. Yeah. Ouch. Do you like cooking, Chris? Or you just like to eat like Krishna ji? You know what? I love to eat. You know, I'm too hot to be in the kitchen. Oh! You know what I'm saying? Yeah, so I kind of stay away from the kitchen and the chef handle the business and then I'll do the eating. I got you, baby.
आज पहला आदमी है जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है देखो यू आर द फर्स्ट वन यू नो हू इज फ्लर्टिंग विद हर एम आई अदरवाइज एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ हर She does have a nice smile. I like her smile. You got good taste. But Chris, what is your favorite dish? What do you like to eat? Butter chicken. But Jamaican dish, it's called ackee and salt fish. Voila. Voila. Yes, beautiful. When you come to Jamaica, I will cook that for you. Oh, wow. I can't wait. Brett, what do you like most about India? Well, the people, you know, the warm hospitality. I worked out now that next year will be a big celebration for me because I'll be 30 years I've been coming to India. Whoa. It's a long time. So kind of a big party next year. But just the warmth, the hospitality, you know, the friendly smiles. You've only got to, you know, drive down the road. You see all the kids on the street. They've all got a big, beautiful smile on their faces. But yeah, it's great to see. I've never been to a country that loves a particular sport as much as India. As much as India. And it's beautiful. अच्छा, क्रिस गाते तो अच्छा हैं ही. अभी हाल ही में इन्होंने इंडियन सिंगर और कंपोजर के साथ एक पार्टी एंथम के लिए कोलैबोरेशन भी किया है. चलिए उस शख्स को यहाँ पे बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच. प्लीज वेलकम जिसमें टू बरेली की बर्फी रुस्तम केसरी जैसी फिल्मों के गाने कंपोज कर चुके कंपोजर एंड सिंगर आर को प्रावो मुखर्जी. आपको माय ब्रो वेलकम वेलकम टू माय शो. बहुत बहुत स्वागत है आपका. आपको के लिए जोरदार तालियां हो जाए. ये देखिए पर्सनालिटी बंगाल के संजय दत्त हैं ये. आपको को मैं बहुत पहले से जानता हूं. ऐसा भी नहीं है. इन्होंने जब पिछले साल मेरे एक स्टैंड अप के लिए आई एम नॉट डन येट के लिए गाना बड़ा ही खूबसूरत गाना कंपोज किया जो मेरे फादर को डेडिकेट था गाना और ये आपको सर ने कंपोज किया था. बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. उसके बाद में इन्होंने मुझे कहा कि जल्दी कुछ और प्लान करते हैं. मैं तभी समझ गया ये बंदा बिना कपिल शर्मा शो में आए मानेगा नहीं. सो आज आप हमारे शो पे वेलकम. आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है. आर्को मेड ए सॉन्ग विद क्रिस हिज नेम इज ओ फातिमा. आर्को डू यू लाइक द सिंगिंग ऑफ क्रिस और डू यू लाइक हिज बैटिंग. एक्चुअली यहाँ पे जितने लोग हैं I think we all are big fans of both of them. तो ये पहली बार जो आज तो मैं लग रहा है संगीतकार के बजाय ट्रांसलेटर. They're all doing that job. मैं पीछे देख रहा था और इतना इतना मजेदार बातचीत है. मैं सोचा कि इवेंचुअली आना ही पड़ेगा किसी हिंदी भाषी को. ये कपिल की पहली स्ट्रगल है. इसने वैसे स्ट्रगल नहीं किया, यहाँ स्ट्रगल कर रहा है अंग्रेजी में. नहीं नहीं मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्यों. आई हैव अ लाइव टूर इन यूएसए इन जुलाई. सो आई एम प्रैक्टिसिंग विद यू गाइस. यू नो व्हाट, सो आई वाज ऑन हियर आई थिंक इट वाज 2015 वाज द लास्ट टाइम आई वाज ऑन दिस शो और द ओनली टाइम आई हैव बीन ऑन दिस शो. एंड नो मैटर वेयर आई एम इन द वर्ल्ड इफ आई बम्प इनटू एन इंडियन पर्सन समवन विद इंडियन हेरिटेज They always say the first thing, I saw you on the Kapil Sharma Show. Sweet. Thank you. Yeah. I mean that. I can, same thing. They don't say anything about cricket. Yeah. Kapil Sharma. But you know, so true. Thank you, bro. You know, when I met first time Brett, sir, and of course Chris, sir, I got to know that he has such a good sense of humor, Brett, sir. हालांकि मुझे कई बातें समझ नहीं आ रही थी इंग्लिश की वजह से, कई मेरे सर के ऊपर से निकली. But that time, Sidhu Paji was sitting in front of me. So today I'm missing him. तू मिस कर ले. ये दोनों बोल रहे हैं ये मिस नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट मिसिंग सिद्धू. नहीं नहीं है. ओह, आर्को कंपोजर बड़े कमाल के हैं, सिंगर भी बड़े कमाल के हैं. अच्छा, किसी सिंगर के साथ अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यू नो इट्स वेरी इजी टू टीच हिम और हर कि आपका ये सुर ऊपर नीचे हो गया है. लेकिन क्रिस जैसी पर्सनालिटी के साथ जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, हाँ. आपकी हिम्मत होती थी इनको बोलने की कि भाई तुम्हारा सुर गलत हो गया है? जो भी वहां पे हो रहा है मैं तो कमाल का बहुत बैट लेके डबिंग कर रहे थे ये. बट आई मस्ट से वन थिंग बिकॉज़ आई हैव रिकॉर्डेड कपिल वंस और बहुत सुरी लगाते हैं. थैंक यू भाई, शुक्रिया. क्रिस, इन दिस सॉन्ग विद आर्को यू आर रैपिंग, यू नो, सो यू लर्न हाउ टू रैप? और yeah, I learn how to rap. I'm a learner.
You know, I love to listen. I love to learn as well. Well. But Arco is so good. You know, good with the lyrics and everything like that. Thank you. When he sent that track to me as well, you know, it's like he demoed it a bit and said, "This is how I want you to want the song to be sound." I'm like, I've never done it like that before. And you know, immediately I did like the beat. Uh-huh. And he said, "Hey, let's do it." Wow. So it was pretty good. But Chris ka jo natural swag hai, ki koi seekh nahi sakta. To bahut mazedar gana hai. We want everybody to dance and enjoy and have a great time. And who better than Chris, universe boss? But I want to ask you, Arko, ye Fatima kaun hai? Haan, to yes. Ye... Oh, Fatima. Who is Fatima? Who is Fatima? You. Bachcha, do you have any plan to collaborate with any other singer in India? Not at the moment. I'm trying to think back, it was 2006 when I had the pleasure to sing that song with Usher Bosley. But I wrote that song in 18 minutes. Cheesy little love song I wrote. Wow. But she's a legend. Usher G. India mein hum love song ki diwane hai, hai ki nahi? Absolutely. Hame tumara hun tumari hi rahunga. Chris, now you are retired from cricket. Huh? Are you retired? Make a comeback. I'm making now, a comeback. Please tell me the truth. Have you ever played in Hangover? I mean, before one day, you know, you had a party and right. You are in Hangover and you are on the pitch and you are watching two bowlers are coming. Right now, Kapil. I'm pretty hungover on your show right now. I can't tell you that. And you see how good I am, right? Yeah, very nice, bro. Yes, I played hungover and I've actually been even better. बैठिए बहुत सीरियस टॉपिक पे बात होने वाली है बैठिए आप लोग प्लीज हम लोग बहुत परेशान हैं हां क्या बोल रही थी बोलो बंद करो चौका छक्का बंद करो हां बंद करो भाई बंद करो कैच आउट क्लीन बॉल बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो तेरे को बोल रही है बंद करो आ गए ले ना हम लोग इधर अभी इन लोग से बात करेंगे सपना क्या हो गया कप्पू मैं हेलो सर नमस्ते नमस्ते नो स्मोकिंग नो पार्किंग प्लीज कीप द टॉयलेट क्लीन मैम को इतना इंग्लिश आता है एक्चुअली कपू हम लोग ना इधर वो चीयर लीडर लोग का हक मांगने के लिए आई ली है मैं इधर क्या हक मांगने है एक्चुअली देखो क्या रहता है क्रिकेटर लोग जब चौका छक्का मारते हैं इन लोगों को बार बार नाचना पड़ता है देखो नाच नाच के कैसा LBW जैसा मुंह हो गया इन लोग का कितना प्रॉब्लम है अभी ये देखो यू नो सर बिचारी हर नेम इज करीना बट लगती करीम लाला है मालूम है सर कल बॉल आके सीधा इसके मुंह पे लगी थी हम लोग बहुत परेशान इसका तो पैर भी टूट गया इसके भी बॉल लगी नहीं इसका तो स्कूटी में एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली क्या है ना ये पापा की परी है ये मार्केट में गई थी सामने दुकान आ गई तो दुकान ब्रेक नहीं मार पाई ऐसा हो अपनी मांग तो बताओ आज का खाना और जाने का भाड़ा खबरदार जो इधर सीनियर आर्टिस्ट के साथ कंपैरिजन किया तो तुमने भाड़ा चाहिए पहले उनके लेवल की चीयर लीडर बनो वो कहाँ चीयर लीडर है अरे पूरी दुनिया जानती है वो एक लीडर की चीयर पर बैठी रहती है चलो चलो जल्दी नारे लगाओ नारे हमें हमारी हक दो हक दो हक दो हक रही थी क्या हक दो क्या हक दो नहीं हमें हमारा हक दो बोलना अरे दीदी इतने हैंडसम क्रिकेटर आए हैं आज हक दिलवा दो हक किसी और दिन देख लेंगे शर्म नहीं आती तुम लोग को बकवास कर रहे इधर आके एक तो लड़का होके लड़की बन के इधर आए हो सेम टू यू हाँ हाँ मैं क्या तेरे को हैप्पी न्यू ईयर बोली जो सेम टू यू बोल रही है चलो निकलो इधर से तुम लोग निकलो हटो बढ़िया है जाओ 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 हाय
Hello, how are you? How are you? Namaste. Hi. Kabutar uda ke dikhao na thoda. Hello. मेरे को पूछने का था कप्पू सर लोग उधर पहाड़ों से कब आए है? मतलब नहीं मैंने सुना था इन लोगों ने संन्यास लिए है ना तो सन्यासी लोग तो पहाड़ों में रहते इसलिए मैं क्रिकेट से संन्यास लिया है क्रिकेट से संन्यास ले लिया यस काहे को काहे को संन्यास लिया अभी उम्र ही क्या है आप लोग की कितनी रहेगी अब अच्छा किया संन्यास लिया अरे मैं दो फॉरेनर लोग से तो बात हो गई खैर मैं इनको प्रॉपरली बात करेगी इनसे हाँ हेलो सर हेलो वेर यू आर सिटिंग दिस इज अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस थैंक यू इन 400 BC किंग एम्परर कपिल शर्मा मेड दिस एम्पायर एंड In this empire, I made a beauty parlor here, Sapna Beauty Parlor, one of the best parlor in the world. Please, we have different type of massage. It's very sophisticated massage she's talking about. We have different type of massage. Please come $400, $400. सपना ये क्या बोल रही है मैं मानोगे तू? कप्पू मैंने देखे लाये जब अंग्रेज लोग एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना लोग उनसे ऐसी ही बात करते हैं इसलिए मैं चलो आप लोग से तो बात हो गई अभी ये तीसरा फॉरेनर से हम बात नहीं किए हेलो स्वातिका ओ हेलो आप कौन था वो इंडियन है आप इंडियन है क्या बोलते हैं मतलब इनका भी वही डोनट वाला हिसाब है कैसे देखने में मेदू वड़ा लेकिन नाम इंग्लिश रखा हुआ है डोनट सर मैं क्या बोलती है बहुत डर लगता है आपसे अरे नहीं ये सर ये आगरे के पेठे पे गाना बनाओ ना ये पेठे पे गाना क्यों बनाएंगे जब ये बरेली की बर्फी पे गाना बना सकते तो आगरे के पेठे पे क्यों नहीं बना सकते Sir, may I come here? Sure. I want to... Very watch nice. Out, Chris. Watch out. First time personality matching, I got someone. You know, everybody say I am big lady, big lady. Ooh. First time I got big leda also. hello, sir. Hello. Hi. You're a tall ladki. No, I'm not ladki. Come on shooting and then we both become ladki. She is not Fatima. You say no, she Fatima, no. Nahi? She Fati Bap. Fati Bap. Fati Bap. Sir, you know what is this? This is called petha. पेठा 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 यू कैसे समझो स्वीट डिश आगरा यू नो पेठा दिस बिग कद्दू हाँ यू कद्दू यू कट 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 एंड देन यू पुट इन डब 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 शुगर एंड देन घप 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 मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आप लोग इंग्लिश में कैसे बात करते हैं मैं कैसे बहुत मुश्किल रहता रहेगा नहीं दो वो ये पेटा समझाते समझाते मेरा खुद का मालपुआ निकल गया ये नाइस मस्कुलर है नाइस माय छावा इज कूलर छोटा है टेलर What is the meaning of chava? A boyfriend. Chava. Chava. Boyfriend. You understand chava? Nahi, nah. I'll make you understand. You know what? No, you know what is chava? No. Sir, when you go theater to watching a film, okay? And you sit in the corner and you don't watch the film. No, I understand. I don't like my chava. Will you be my AC? एसी क्या होता है एसी बोल रही थी एक दिन के लिए अगर मेरे ये छावा बन जाते तो नाला सुपर में लोग कितने खुश होते ना बाहर गांव का लड़का साथ में लेकर आइए आई एम वेरी हैप्पी आई मीट यू नो यू टू नाइस टू मीट यू यू ब्रेटली यस माइकल अंडाली गाइस डोंट टेक हर सीरियसली
You know, she's not she, she's he. मेरे को ना एक्चुअली आई हैव कम फॉर लिटिल जॉब इफ यू कैन गिव मी मेरे को ना चेयर लीडर का जॉब चाहिए था क्रिकेट में यू नो चेयर लीडर का कैसे रहता है आप लोग जानते हो चौके और छक्के पे नाचते वो लोग मैं सिंगल के लिए भी नाच लेता हूं सिंगल के लिए कौन नाचता है सिंगल के लिए नाचना ना कपू इजी रहता है कैसे क्योंकि अगर शादीशुदा के लिए नाचो ना तो फिर औरत आ जाती है ऐसे औरत ऐसे इन स्विंग आती है तो हमको खिड़की से आउट स्विंग होना पड़ता है खैर व्हेनेवर यू कम नो प्रॉब्लम आई कैन मीट यू आई टेक ओनली 1 आवर टू बिकम अ गर्ल क्या हो गया मेरे को खैर यू नो I just wanted to ask you people, why you people on ground when you play cricket, why you scared? Why? कहाँ डरते हैं? अरे one एक आदमी रहता है उधर, वो ऐसा करता है। तो आप लोग ऐसा चले जाते हैं डर के, ऐसा क्या को? Nice body you have. Out. अरे वो umpire होता है, he's umpire. अच्छा when he say out, then he. अच्छा वो umpire रहता है, oh, you know हम लोग अपना गली का क्रिकेट आइस टेन नाला सुपर है। When does that? It's out. 2000 का नोट बंद हो गया है यू नो मैं ऐसा क्या बोलते हैं उधर नाले से पर में आई प्ले क्रिकेट नो दैट एम्पायर माय एम्पायर नॉट गुड मैन वो हाँ मैं उधर खेलती है ना तो मेरे को ऐसा हग का इशारा करता है ऐसा बार बार अरे वो वाइड बॉल का इशारा होता है वो वाइड बॉल रहता yes. है तो फिर वो ना मेरे को ऐसा ऐसा भी करता है ये कितना कारण है ये ऐसा अच्छा नहीं ये लेग बाय का इशारा होता है अच्छा ये सब क्रिकेट का इशारा रहता है ओ तभी तो ये भी क्रिकेट का होगा ना ऐसा करके ये गलत है ये गलत किया उसने नहीं गलत थी पूरा अच्छे से किया था लेकिन वो गलत पता क्यों नहीं है क्योंकि उसने ग्राउंड के बाहर किया था अच्छा अगर ग्राउंड के अंदर करता ना मैं उसको बताती क्या बताती अपना नंबर बताती कि बाद में कॉल करना अभी साथ में मेरा छावा मुकेश आए ले ऐसा करके यू वेरी नाइस यू वेरी लॉन्ग आई वांट टू सी मैच माय हाइट विद यू वेरी लॉन्ग ओह माय गॉड Chris, Chris, you 6'3", no? Yeah. After 6, I am free. Let's meet. Okay, okay, see. My God, Arthana, yay! How's you? We're fine! You! Yeah, yeah, yeah. Hey, man, what is this? What? How you? Kya hota hai? Arre, this is cricketing language, yaar. Appealing. That's what you do. How's that? Yeah? You know, Chris, these are two men wearing one kurta. Hi. ये क्या है हमने जरा अच्छा अपील कर दिया अपील स्टाइल में ऑल तो ये जगह कपिल का है पर कभी कभी अपील भी हो जाता है चलता रहता है हाय 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 ओहो रियली प्लेजर नमस्ते एंड हाउ आर यू डूइंग क्रिस गेल जी यस सर एंड ग्रेटली जी ब्रेटली लेकिन ये खेलते हैं ग्रेटली एनीवे सर लेट मी इंट्रोड्यूस दैट इज बफेलो माय बफेलो देयर एंड बफेलो दैट इज गोट ये क्या बोल रहा है गोट गोट GOAT greatest of all time And goat, that is boat. That is bhaisiya of all time. बच्चा तू बड़ी आज इंग्लिश बोल रहा है तेरी धोती ना खुल जाए कहीं ब्रो अगर आपको भी इंग्लिश चाहिए ना हमको बोलिए इंग्लिश हम आपको दे देंगे चखना और सोडा वहां से लेना पड़ेगा Anyways, यार मेहमान आए हैं ब्रो डिड यू आस्क देम टी कॉफी एनीथिंग यस यू डिड सर यू वांट टी ओके 3+1 शर्मा जी 4 टी एंड 2 समोसा फॉर माय कंजम्पशन नाइस
And some thandapani. And some thandapani. Garam nahi. Garam nahi? Garam nahi. Okay, too much garmi outside. Exactly. Hot. Too much. Yeah. Samosa is not available right now. You want iron rod? Iron rod? Danda leke aao main. Danda? Danda, aap ek kaam kijiye, 6 manga dijiye. 3 wahan lagayenge, 3 yahan lagayenge. Match ho jaye. Sharma ji, iske liye aaj bata rahe hain. Aaj jo bhi baat cheet hoga na, शुरुआत कहीं से भी हो एंड क्रिकेट पे ही होगा. चल चल चल, टाइम ना वेस्ट कर, चल निकला और अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके चल. यू वांट मी टू गो? या दिस इज नॉट क्रिकेटिंग लैंग्वेज. वांट मी टू गो? आई विल टेक रिव्यू ऑफ दैट. रिव्यू ऑडियंस, ही इज सेइंग आई गो, शुड आई गो? यू लूज द रिव्यू ब्रो. बट आई हैव द माउंटेन व्यू ब्रो. Sir, I didn't tell you my name only. Myself, Bachcha Yadav. Okay. You know, Surya Kumar Yadav? Of course. Me and him have very deep connection. Kya connection hai? Arre, unka bhi 2000 ka note band ho gaya, hamara bhi 2000 ka note band ho gaya. Brett, he has also big connection with Buffalo, you know? She eats his meal, he eats her meal. शर्मा जी, हम अगली बार आएंगे ना, आपके लिए दूध लेके आएंगे. दूध क्यों? कि दूध का दही कीजिए ना, हमारे दिमाग का क्यों कर रहा है. You know what? There was a time when I was small kid, even. I can't believe you were small. But I was really small kid that time. I wanted to become cricketer. Oh. But I don't know in life what happened. बन नहीं पाए हम. क्यों? सारा दिन तो तू भैंस चराता रहता, क्रिकेटर कहाँ से बनेगा? तो आपके पास भैंस तो है नहीं, आप बन गए क्या क्रिकेटर? What logic? Well, I will tell you, हम ना क्रिकेटर, I couldn't become one क्रिकेटर. But I am from family of क्रिकेटर. Really? My father very big क्रिकेटर. मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी फुटबॉलर रहे होंगे. नहीं तो ये गोल किसने किया? Who did this goal? शर्मा जी, अगर हम चाहें तो विराट कोहली की तरह आपको जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन आज हमारा गंभीर रहने का मन कर रहा है. वाओ! वैसे आई एम टेलिंग यू, क्रिस गेल जी, वन बॉय इन माय विलेज, वेरी गुड क्रिकेटर, हिटिंग शॉट्स लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट. Everyone in my village call him Chris Gayle. But he said, no, don't call me Chris Gayle, call me Sachin. Sachin Gayle. He must be a fan of Sachin. No, no, his name is Sachin. Baap, bachcha. Bachcha, bhai. Yeah, bhai. I forget to tell you something. Yeah. Get up. करने क्या आए हो यहाँ पे? I have come because Bradley ji and Chris Gayle ji, I want to teach you commentary in Bhojpuri. Okay. There is a regional language in India. Regional language called Bhojpuri. And nowadays, Bhojpuri language is catching up. So instead of English, you should try Bhojpuri. Bhojpuri. It's a lot of fun. Okay. I will teach you. See, if you are giving commentary, okay, and someone has hit a century, yep, you say, Eba, ka garda uda dai. Eba, ka toy gore. Ka garda uda dai. Ka gora. Garda uda dai. Da da da. Ka uda hai. Ka garda uda. Nice. 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 One more situation I'll give you. Just that someone is Toro one, like a smaller one. Yeah. Slowly. So someone is batting. Yeah. And suddenly he gets LBW. You say, Amai Ramai! Amaramai! Someone hits a huge six. You say, Lailota! Lailota! Kabata! Yeah! Kabata! Yeah! Where to go? Lailota! Very nice. My name is a producer also of Bhojpuri movies. My movie is called Bauji Karel Pout Devar Ho Gail Run Out.
Good luck with that. Bauji, Bauji. Karel, Bauji, Karve. Karve, Bauch. They were ho gail run out. Run out. Yeah. Wow. One more. Chris. Chakka na choka. Chakna choko ka. Okay, once more. That was a chakka na choka. Chakka, sixer. Chakka. Choka means four. Yeah. Chakka na choka. Oh, chakka na choka. Yeah. Devar dhunde moka. Devar dhunde tonka. I'm done. Thank you so much. Thank you, Bachcha. Thank you. Bachcha, bye. You're a champion. Such a pleasure to meet you. Thank you. It's a pleasure. But I also want to say that you have very famous people. You have millions of followers. I just want to request, I have no followers. So, will you please follow me? Okay, where are you going? Where? Yeah, social media account I don't have. Follow me. Where? Follow me. Bachcha, get out of here. All right. Thank you. Okay, Bachcha. Brett sir, you know, in India what happens, cricket is so popular that, you know, in my childhood, we used to play cricket in our streets. Yeah. You know? Gully cricket. Yeah, gully cricket. Yeah. Oh. Yeah. It's so much good in Hindi. So we used to play cricket, you know. Last time I discussed with you also. So my mother, you know, used to wash the dirty clothes with that. Bad. We called it thapi. It's made of wood. So whenever we get a chance, we stole that thapi from our house and we are playing cricket. When our mother got to know that thapi is missing, she's coming in the street abusing us. Where are you? Where are you? Abuses I can't translate because they are too hard. So what happens if mum's done the washing and your underwear is still on the bat, what happens? We play in the street in Jamaica. Oh, we play in the street as well. You know, that's how I grew up. Does it ever happen? You are playing, you hit a sixer, and suddenly after 30 seconds, one man is running towards you. And he said, you broke my glass. And when he saw you, he said, no. There is no fault of yours. My glass was weak. Did you broke any glass of your neighbor? Yes, ever? Many. Many car glasses, you know. Oh. They have to give the club the invoice and those sort of things as well. Yeah, a lot of windscreen. I've broken a lot of windscreen. We had a even windows door. As well. I've smashed a lot of windows. Wow. It's a universe boss, man. We had like a garage door at home. A big garage door, like about the size of that. And I think it's still there today, the house that we grew up in. And it's got dings from where we were born with the cricket ball. Oh. All you know, across the door. Famous. Everywhere. It's covered in dings. Because there's a famous saying in India, chakke chuda dena. Means completely destroy your opponent. Chakke chuda dena. Dena. Chakke chuda dena. Yes, yes. Which you are doing from last so many years. Yes. I think it is because of you, you know. The players like you. Absolutely. I love it. Guys, as you all know, Brett Lee was one of the fastest bowler in the world. He used to deliver with a speed of 150 km per hour. You all know. Whoa! So, Brett, you were so fast in your delivery. Have you ever thought to become a gynecologist in your college days? Sorry for my question. But you know, we need, you know, more gynecologists because, you know, in India, in terms of population, we produced Australia in 1 year. In 1 minute, we are producing 49 kids. Wow! I have three children. They're the best three deliveries I've ever bowled. Bowl him! Let me remind you, during the 2019-20 World Cup, Chris scored 27 runs in 1 hour of Brett Lee. Which is good thing for Chris, not for Brett Lee. You must be very angry that time. Have you ever thought to buy a new SIM card on the name of Arco and abuse him?
100%. Or troll him on Twitter or Instagram or something. But I bowled a ball in England, bounced him. He went, the ball still hasn't landed. It went over the fence, over the stadium, over the road, and landed in a the back of a school play yard. My God. That was a Chaka Churadino. Compromise, we hang up a dagger. Brett, is there any moment in Australia, especially, when you know Indian team went there to play and you went to Sachin or Sehwag or Yuvraj and you told them, see, my girlfriend or my wife is there watching me live. Mm. Don't play so hard. I will take you out for shopping after the match. You know, I mean, you are friends with all the, you know, players. Yeah. Look, there was, there's been plenty of occasions where I've got batsmen out, but they've smacked me as well. You know, every time that we played against Sachin Tendulkar, we normally got 100 against us. I mean, he's a genius. Mm. But it was more so. We always played, same as I was played against, you know, the universe boss. We always play so hard on the field. Like, there's energy, there's sledging, it's fun. But off the field, we're really good friends. I caught up the other day with Sachin, which was nice to see for afternoon tea. But there was no cricket balls bowled, luckily. Nice. But, you know, of course, I know you were friends with all the players, but people were scared of your bowling, you know? Very quick. Like you, I mean, bowlers are scared to bowl, you know? I mean, I was scared too. Brettley bowling 95 miles per hour, that's not an easy thing to face. You know, wow. So it's a good thing I was young that day anyway still and have a good eyesight at the time and I could have picked up his delivery. It was always funny though that, you know, you'd be at breakfast prior to a test match or a one-day match and, you know, both teams were staying at the same hotel and I'll be down there and someone from the opposition would offer to, would you like a juice? Do you want some coffee? Do you want some more toast? I'm like, I'm still going to bounce you. They're trying to be nice but to you. Thank you. Yes. Yeah. Yes, I'll have a coffee, but look out. Yeah, try to be friendly. So we have some of your pictures, which you posted on Instagram, on social media for your fans. You know, nowadays, people started writing very funny comments because we started a segment where we show celebrities their pictures. And they write very funny comments. Okay. Let's have a look. This is the best. Krishna ye photo dala hai. I'm a pull-up baby. Okay, let's read the comment. Aapki smile jaan le leti hai. Kya aap meri biwi ke saamne smile kar denge? Someone wrote, you have a killer smile. Can you please smile in front of my wife and kill her? What a comment. Yeh sahi hai. Agar gaadi mein petrol khatam ho jaye, toh heart se uthakar bhi petrol pump tak le ja sakte hain. Very small. Aur dikhaiye. Is bachcha gaadi mein bhi petrol dalta hai ya chocolate wala doodh dalna padta hai? Milkman is in town. Aur dikhaiye. So, Brett sir posted this. Wow. Wow. What a photo. You are looking very handsome. Yeah. Want to come much on? Oh. This is very comfortable, you know, traditional dress of India. It's very comfortable, but it's when the wind blows, it's a bit. You have to take care of yourself. But it has an inbuilt air conditioner. Yeah, it does. Nobody can stop the air going inside it. But. बातें बड़ी आ रही मेरे से इंग्लिश में नहीं बन रही बस. Let's read the comment, please. Hey Lee, what are you wearing? Someone replied, this is dhoti, जिसमें चेन नहीं होती. आदमी जब पहन के सोती, धोती मुंह पे होती. Hey Brett, is it true that you are a relative of Bruce Lee? No. No. लुंगी पहनकर खेलने का फायदा तो है. LBW out नहीं हो सकते. बॉल धोती में फंस जाएगी. और दिखाइए. आरको ने फोटो डाला है ये. माय न्यू फाउंड एक्साइटमेंट डेजर्ट बाइक हबीबी मोड एक्टिवेटेड. वेरी नाइस पिक्चर. दिखाइए कमेंट्स. हबीबी मोड पे हो इसलिए खुश हो. बीवी मोड पे होते तो वाइफ
बाइक पे बैठी होती और आप धक्का लगा रहे होते। ऐसी बाइक पे बैठने का एक फायदा तो होता है, लेट रात घर आओ तो कुत्तों के काटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। भाई अगर सर पे ये पट्टा ना बांधो तो दुबई वाले एंट्री नहीं देते क्या? और आगे दिखाइए, क्रिस ने फोटो डाला है, स्वीट लाइक शुगर। क्रिस, व्हाट आर यू हैविंग? व्हाट इज दिस ड्रिंक? I mean, it's so big, like a watermelon. It's like a, yeah, it's a watermelon and like a cocktail, like. Mojito. Yeah. Okay. It looks like a fish so bowl. So sweet, but I'm sweeter. Yeah. जब आप अपने बजट से महंगी ड्रिंक ऑर्डर कर दो तो आंख ऐसे ही फटी की फटी रह जाती है। That expression when waiter mentioned the price of the drink. Yeah. What? When you are enjoying your drink and suddenly your wife asks, where were you last night? Our 90 ml drink is equal to 30 ml for Chris. Yeah. जिस तरह से ये देख रहे हैं वेटर तो बिल लेकर ही नहीं आएगा। और दिखाइए। Oh, rated the old man's veggie patch with the kids. How good? Very nice picture, sir. Is this in your backyard, Brett? Yeah? That's at mum and dad's place. Yeah, mum and dad's place. Yeah, so oh, wow. They've got a... My dad's got a veggie garden. It'd be as big as this studio. It's massive. Awesome. Whoa. Oh, wow. Wow. So as long as we get in there before the kharagosh, then we can eat it. Oh, the rabbits. The rabbits, yeah. Rabbits get in there and they eat it. We have Hindi so well, Brett, sir. Yeah, kharagosh. You know, very, very... Kharagosh. Okay, let's read the comments, please. आम आदमी हो या फेमस क्रिकेटर, फ्री का सामान कोई नहीं छोड़ता। Yes, exactly. You are my biggest crush. I like your face more than your pace. Oh. Thank you. And that's from Bachcha. Bachcha. वीकेंड पर इनका दोस्त बॉटल ला रहा है, इन्होंने सैलड बनाने का काम लिया हुआ है। और दिखाइए। धन्यवाद। आप सब जानते हैं ना कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब होता है हमें तो क्यूरियोसिटी होती है ये देखने की, पूरी दुनिया को ये जानने की उत्सुकता होती है कि कौन जीतेगा। या इन ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, इज देयर एनी स्पेसिफिक मैच पीपल आर मैड अबाउट? दैट्स ऑलवेज अ बिग बिल्ड अप, इंडिया पाकिस्तान, इट्स अ राइवलरी, एवरीबॉडी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दैट। पूरी दुनिया में दिस मस्ट बी लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल्स, राइट? इट इज। एंड लाइक Australia versus England, the Ashes is always big. Yeah, that's. But Australia versus India now is big in a test match. Yeah. It's funny though, I have been to an Indian wedding and that's like a test match. It goes for 5 days. Kapil, I had a question for Brett. You have a beer company in Sydney, right? Yeah, it's going well. So we're actually coming out to India next year. Oh. So yeah, we launched in Australia back in 2016. We're in Malaysia and China, coming out to India next year. So very, very, very excited. Yeah. You know, there was a purpose why she asked this question to you. Next time I'm here, I'm going to bring all the beer for you, okay? Oh, lovely. One crate bowl, I don't know. No, she's asking for lifetime free membership. Done. Free beer for you. Dekha? आज तो आपके दीवाने हुए बड़े इंटरनेशनल लोग। देखो आप। होना लड़की यहाँ पर आज। अच्छा, जैसे आम लोगों में आपने देखा होगा जो मैच देखते हैं ना, वहम बड़े होते हैं, सुपरस्टिशंस बड़ी होती हैं। इंडिया में होता है ना कि ऐसा कि यार आदमी को बाथरूम भी जाना तो उठता नहीं कि नहीं विराट कोहली खेल रहा है, अगर मैं उठ गया तो ये ना आउट हो जाए, भाई तू जा कहीं तेरा ना कहीं आउट हो जाए, है ना? यस। तो डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशंस? समटाइम्स, बट I always put my left shoe on first. Oh. It may be habit, maybe routine, but I did it one day and got a few wickets, so I thought, I don't want to upset the gods, you know? Yeah. So I think it's more a habit for me, to be honest. It's not more superstitious. It's just something, you know, you build yourself into and just become a habit for you to just continue doing it. We played against a guy from South Africa called Neil McKenzie. Very, very superstitious. Oh. So he went out to bat one day in a test match and scored 100. Mm. And someone had lifted all the toilet seat up. Okay. So next time he went out to bat, all the toilet seats had to be up. I mean, crazy. सिर्फ इंडिया नहीं, हर तरफ लोग. So we have a, you know, we always do some interaction with our audience. Great. So
आप लोग भी बिलीव करते हैं कुछ ऐसा है तो आप लोग बयान कर सकते हैं जी जी भाई साहब माइक दे दीजिए इनको हेलो एवरीवन हेलो हेलो कपिल सर हेलो वेलकम मेरा नाम कन्हैया ज्ञानचंद सीता पटवा है और मैं क्या क्या सर कन्हैया ज्ञानचंद सीता पटवा सर ये एड्रेस भी साथ में बताया आपने नहीं नहीं सर वो फैमिली का भी नाम है सर हिज नेम इज सो लॉन्ग आई थॉट ही इज मेंशनड एड्रेस आल्सो ओके आई थिंक योर पेरेंट्स हैड अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम यस कन्हैया जी सर वैसे मेरा जॉब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास में 11, 12 के लिए मेरा भी रिसेंटली एग्जाम यार आप अभी खुद इतने छोटे से लग रहे हो और हाँ सर वो चेहरे से लग रहा हूँ लेकिन मैं तेज के ऊपर का हूँ सर चेहरे से लग रहे हो तो कहाँ से बड़े हो बॉडी से सर जैसे कि सुपरस्टिशन की बात हो रही है अंधविश्वास की तो मेरा भी एक सुपरस्टिशन है सर जो मैं मानता हूँ स्नीजिंग सर छींक जो आती है लोगों के लिए स्नीजिंग अशुभ होता है सर लेकिन मेरे लिए सर शुभ है पॉजिटिव है सर अगर मुझे स्नीजिंग आ गया मैं पढ़ रहा हूँ एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया बिकॉज थोड़ा प्रेशर आ गया रात तक पढ़ रहा हूँ तो मुझे फिर वो पढ़ लेना है सर अगर वो मैं पढ़ लेता हूँ तो एग्जाम में वही आता है सर बोर्ड में भी ऐसा हुआ है और यहाँ पे एमएससी में भी ऐसा हुआ है सर इसलिए मैं अपने कॉलेज में मैंने टॉप 3 रैंक आया सर तो मेरे लिए पॉजिटिविटी है सर स्नीजिंग अगर आपको जुकाम लग जाए आप तो आईपीएस बन सकते हैं हो सकता है सर एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए शुक्रिया दोस्तों आप सभी की मोहब्बत के लिए आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहे आबाद रहे और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो गुड नाइट शुभ रात्रि शुभ अखर थैंक यू For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.